ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में हम बात करेंगे कटनी की, जहां 70 वर्षों से संचालित कैमूर एवरेस्ट स्कूल को लेकर संजय सत्येंद्र पाठक ने ली बैठक। आगे बात करेंगे राजगढ़ की, जहां एक लोटा जल शिप को दूजा लोटा जल पेड़ पौधे को लेकर चलाई जा रही मुहिम। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर जालना से, अब्दुल रफीक अब्दुल राशिद को जालना स्थित जिला अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद विधायक वजाहत मिर्जा ने उन्हें जिला अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष चुना है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की सिफारिश पर अब्दुल रफीक को अध्यक्ष चुना गया और जालना के विधायक कैलाश गोरंट्याल ने अब्दुल रफीक को नियुक्ति पत्र देकर बधाई दी है। अब्दुल रफीक पिछले 4 वर्षों से जालना जिले में कांग्रेस सेवा दल के जिला कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अब्दुल रफीक ने सामाजिक क्षेत्र और अल्पसंख्यक समुदाय में बहुत बड़ा योगदान दिया। वहीं मराठवाड़ा अल्पसंख्यक शिक्षा संघर्ष समिति के संभागीय अध्यक्ष थे और अखिल महाराष्ट्र शिक्षा सोसाइटी और शिक्षक संगठन के जिला सचिव के रूप में कार्यरत हैं। शैक्षणिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान है। अब्दुल रफीक को कांग्रेस अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर शहर के प्रतिष्ठित नागरिक मित्र मंडल, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने अब्दुल रफीक का स्वागत किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र जालना से सीनियर संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर कटनी से है। आ विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने आज कैमूर एवरेस्ट कंपनी के अधिकारियों के बीच बैठक ली और स्कूल बंद करने की वजह जानी। स्कूल बंद करने की कोई ठोस वजह न मिलने से विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने कहा, 70 वर्षों से चल रहे शिक्षा के इस मंदिर को बंद ना करा जाए। इसके लिए अगर आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। छात्रों के हित के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। वहीं उन्होंने सभी प्लांट मैनेजमेंट के अधिकारियों ने विधायक संजय सत्येंद्र पाठक की बातों से सहमति जताई और अपने हेड ऑफिस तक बात कर जल्द निराकरण की बात कही। प्लांट मैनेजमेंट ने विधायक महोदय की बातों का सम्मान करते हुए अपनी व्यक्तिगत सहमति जताई। आज अचानक आपका बिजराव का आगमन हुआ और एवरेस्ट कंपनी के कुछ अधिकारी आपसे मुलाकात करने आए, जिसमें सबसे पहले तो आप अचानक शब्द अलग कर दीजिए, क्योंकि विजय राघवगढ़ का मैं प्रधान सेवक हूँ। विधायक तो ठीक है, एक पद होता है, लेकिन प्रधान सेवक हूँ और विजरावगढ़ मेरा लगातार आना जाना लगा रहता है। लेकिन आज जब मैं विजरावगढ़ आया तो एवरेस्ट कंपनी के मैनेजमेंट के लोग जो कैमूर के हैं, साथ में उनके बॉम्बे हेड ऑफिस से आए हुए लोग हैं, उन लोगों के साथ मेरी भी मीटिंग हुई। इनका कहना है कि हम स्कूल बंद करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमारी जो प्रिंसिपल थी वो रिटायर हो रही है और हमारे पास क्षमता नहीं है स्कूल चलाने की, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। लेकिन एवरेस्ट कंपनी पिछले 70 सालों से स्कूल चला रही है। मेरा उनसे ये आग्रह था कि आप स्कूल बंद मत करिए, अगर आप नहीं चला पा रहे तो थर्ड पार्टी को दे दो। जिस प्रकार ACC ने DAV को स्कूल दे दिया, अपना प्राइमेसिस दे दिया, DAV स्कूल चला रही है, तो मेरा यही आग्रह है कि अगर आप नहीं चला पा रहे तो कोई बात नहीं, जितना खर्चा आप कर सकते हो उतना खर्च आप दीजिए। थर्ड पार्टी को यहाँ पे तीसरे कोई व्यक्ति आए जो स्कूल यहाँ पे चलाए, एजुकेशन का हमारे शिक्षा का स्तर भी ऊँचा करे और जो सुविधा गरीब बच्चों को मिल रही थी एवरेस्ट के स्कूल के नाम पर सुविधा भी बंद ना हो। कटनी मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर कटनी से है। यहाँ विजय राघवगढ़ कैमूर नगर परिषद चुनाव के बाद से नगर के विकास कार्यों को अंजाम देते हुए हमेशा चर्चा में रही है। लोगों की मूलभूत सुविधाओं से लेकर नगर में जगह जगह सौंदर्यीकरण विकास में 4 चांद लगा रहा है। विकास के रथ पर सवार जनप्रतिनिधि आज विकास के रथ को एक साथ रफ्तार दे रहे हैं। कैमूर नगर परिषद की कामयाबी विकास की नई नई सौगातें विधायक के द्वारा गौरव बढ़ा रही हैं। पंडित सत्येंद्र पाठक कैमूर नगर परिषद अध्यक्ष मनीषा अजय शर्मा उपाध्यक्ष संतोष केवट से जब इस पर चर्चा की गई तो उन्होंने अपनी प्रेरणा का राज बताया। कहा कि विधायक संजय सत्येंद्र पाठक दिलेर और उदार व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन बाबूजी पंडित सत्येंद्र पाठक जी तो कर्मयोगी थे। उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया, अनेकों लोगों का भला किया, बता पाना मुश्किल है। बाबूजी के संस्कारों के साथ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक चल रहे हैं और हम अपने विधायक के मार्गदर्शन पर चलते हुए विकास कर रहे हैं। आने वाले वक्त में कैमूर को और भी बहुत सारी सौगातें हमारे विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के माध्यम से दी जाएंगी। कैमूर नगर परिषद अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विकास के रथ में ये दोनों सवार हैं और आज विकास के नाम पर कैमूर को ऐतिहासिक रूप से जाना जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब भी आप कोई विकास कार्य करती हैं इसमें आपका सहयोग कौन कौन दे रहा है? सबसे पहली बात, मैं अपने जनमानस को नमस्कार करती हूँ जी, और मैं कहना ये हमारा मतलब
ये पाठक फैमिली जो हमारे यहाँ के विधायक हैं संजय सदैव पाठक जी, उनके पिताजी सत्येंद्र पाठक जी, हम लोग काफ़ी टाइम से हमारे मतलब घर घरेलू संबंध है। उन अंकल जी को मैं काफ़ी टाइम से सुनती थी, कैमूर के लिए मेरे को ये करना है, कैमूर के लिए मेरे को ये करना है, मतलब उनके एक शौक़ था कि बच्चों के लिए कैमूर के लिए मतलब स्तर में वो हाई लेवल पर ले जाना चाहते थे। खैर अंकल जी तो मतलब नहीं रहे, पर आज उनके बेटे, उनका बहुत बड़ा मतलब प्रोत्साहन रहता है कि मतलब उन पूरे क्षेत्र के लिए, ऐसा नहीं कि कैमूर बस के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए उनका बहुत देर तक कैमूर में क्या करना है अपन को। हम लोग कोई भी बात रखते कि भैया हमको ये काम करना है, बिल्कुल करो मैं आपके साथ, इसलिए मतलब जो भैया कहते हैं उनके पद पे हम लोग चल। आप लोग फिर विधायक के बाद आप लोगों का सहयोग और कहाँ से मिलता है? विधायक के बाद हमारे शिवमो सर बहुत अच्छे हैं, हमारे इंजीनियर सर, हमारे उपाध्यक्ष सर, हमारी पूरी टीम, आप ये समझ लीजिए आपको ऐसी पार्षद पहली मिलेगी जो विरोध में बिल्कुल कोई भी पार्षद नहीं। हम सबके बड़े भाई माननीय संजय पाठक जी जब यहाँ विधायक चुने गए तब हमने उनकी मनसा जानी, उनके साथ हमने काफ़ी काम किया। फिर उनके आशीर्वाद से जब हमें ये मौका मिला कि मुझे उपाध्यक्ष का पद मिला और हमारी भाभी जी को अध्यक्ष का पद मिला, तब हमने उनकी मनसा अनुसार, ये हमारी मनसा नहीं, हम उनकी सोच को जो उनको सोचते थे वो, या उनके पिताजी कि कैमूर ऐसा होना चाहिए, उनकी विधानसभा ऐसा होना चाहिए, वो कोई आज एक विधानसभा के नेता नहीं है, वो प्रदेश और देश स्तर के नेता है। वो कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा जिला चाहते हैं, कैसी विधानसभा चाहते हैं, हम उनसे ये प्रेरणा पाते हैं क्योंकि हम निरंतर उनके पास बैठते थे और सुनते थे, तो हमने कहीं ना कहीं उनके ही जो सोच है उसका अनुसरण करते हुए हम कैमूर को वो रूप दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन पे कर रहे हैं और जो उनके सुझाव हैं उनके अनुसार हम काम कर रहे हैं, तो उसका पूरा क्रेडिट निश्चित रूप से हमारे लाडले लोकप्रिय विधायक संजय पाठक जी को जाता है। इसलिए हम हर बैनर पोस्टर या हर जगह जो आप देखते होंगे तो हम उनसे प्रेरणा पाकर ये सब काम करें। कटनी मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, यहाँ 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर को देखते हुए ग्राम काचरिया भाई में सुहानी मित्र मंडल की छोटी छोटी बालिकाओं ने नई पहल चालू की। शिव मंदिर परिसर से सुहानी वाटिका का निर्माण चल रहा है। सुहानी मित्र मंडल के द्वारा कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए। गर्मी और पानी की कमी को देखते हुए छोटी छोटी बच्चियों ने नई पहल चालू की। सुहानी मित्र मंडल के द्वारा घरों से पानी लाकर पेड़ पौधों को पानी पिला रहे हैं और उन्होंने सभी ग्रामवासियों को कहा कि एक लोटा जल शिव को समर्पित और दूसरा लोटा जल पेड़ पौधों को समर्पित, जिससे कि वातावरण स्वच्छ हरा भरा बना रहे। आने वाले दिनों में हमें ऐसी गर्मी का सामना ना करना पड़े, हम सब मिलकर पेड़ पौधे लगाएंगे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जिले की यहाँ शिवसागर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोन की प्राथमिक विद्यालय खुड़िया, यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया। वार्ड निरीक्षक रविंद्रनाथ मिश्रा ने बताया कि यहाँ पर हम लोगों को कोई तरह की दिक्कत नहीं हुई है, यहाँ की रसोईया जो हैं आकर भोजन बनाती हैं, जलपान भी वक्त पर होता है। बूथ पर बुजुर्ग विकलांग लोगों को जलपान की व्यवस्थाएं दी गई थी। मतदान अधिकारी ने कहा कि यहाँ का वोट जो है वो सही सलामत गुजर रहा है। वोट पोलिंग समय 7 बजे से शुरू किया गया जो शाम 6 बजे तक वोट पोलिंग होगा। मतदान अधिकारी सरोज कुमार, गौरव सिंह, जुल्फिकार अंसारी, धनंजय ठाकुर, आशा कार्यकर्ता सुनीता पांडे, राजेश कुमार इत्यादि मौजूद रहे। नाम रविंद्रनाथ मिश्रा है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही सलामत, इस तरह का कोई नहीं, सारा लोग आए अपना मन से, जहाँ पर वोट देने का था अपना दिए। जो गार्ड सर आपके मित्र आए, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब मजे से है, कोई दिक्कत देखिए नहीं है। परेशानी तो थोड़ा बहुत इलेक्शन में होते रहता है, लेकिन अब इसको भी नजरअंदाज करके ही चलना पड़ता है, हम लोग तो सरकार के लिए भी आदमी है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंडित ब्रजकिशोर पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।